हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम समझेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के थ्री लेवल होते हैं। फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द थर्ड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यानी CEO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स CFO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स। दीज ऑल आर कम्स अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होता है उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। मैनेजर्स हैव मैक्सिमम अथॉरिटी इन कंपेयर टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल और मिडिल लेवल के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा डिसीजंस लेने की पावर या अथॉरिटीज टॉप लेवल मैनेजर के पास ही होती है। ये लीडर्स होते हैं और डायरेक्टर्स होते हैं जो लीड करते हैं और डायरेक्शन देते हैं अदर पीपल को। तो ये यहाँ पे एक वन बाय वन करके इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्राइजेस। मीन्स ये इंटरप्राइजेस के और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको डिटरमाइन करते हैं, उनको फॉर्मुलेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स टू टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजर्स का। सेकेंड, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब जब डिटरमाइन कर लिया ऑब्जेक्टिव, उसके बाद प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान्स और पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं या बनाते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। जो मिडिल लेवल पे पर्सन्स वर्क करते हैं उनके लिए एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है? तो उनकी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना, असाइन करना जॉब्स, ये सारा काम होता है टॉप लेवल मैनेजर्स का। फिर आता है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। मींस जितने भी रिसोर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, जैसे कि फाइनेंस की ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन में, फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत होती है, इन सब का अरेंजमेंट भी कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर का काम होता है फाइनेंस का अरेंज करना, फिक्स्ड एसेट को परचेज करना। फिर आता है कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना। टॉप लेवल के मैनेजर्स जो हैं एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और कंट्रोल करते हैं। वो देखते हैं कि जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनी थी उसके हिसाब से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कि नहीं, राइट डायरेक्शन में काम हो रहा है कि नहीं, सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। लास्ट आता है लिसंस विद आउटसाइड वर्ल्ड। मीन्स आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब होता है आउटसाइडर्स, जैसे कि गवर्नमेंट हुए आउटसाइडर, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, मीडिया, दीज ऑल आर द आउटसाइडर्स। तो ये यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स जो है कॉन्टैक्ट बना के रखता है आउटसाइडर के साथ, उनके साथ मीटिंग करता रहता है, उनके टच में रहता है। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का होता है, इसलिए इसे बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे कौन कौन से लोग आते हैं? यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हेड्स, सेल्स डिपार्टमेंट हेड्स, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट। दीज ऑल आर कम्स अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर ये सब आते हैं। They act as linking pin between top and lower level management. ये top और lower level management के बीच के होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? Top and lower level के बीच का काम करते हैं। They also exercise the functions of top level for their department.
ये अपने डिपार्टमेंट के लिए टॉप लेवल के फंक्शन भी करते हैं, जैसे कि प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना अपने डिपार्टमेंट के लिए, ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज़ और कलेक्ट करना रिसोर्स। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर्स अपने प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है, कलेक्ट करना करता है, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स भी ये सब काम करते हैं, टॉप लेवल का काम करते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। यहाँ पे जो मिडिल लेवल का जो मैनेजर होता है वो एक्ट करता है एज ए लिंकिंग पिन, मीन्स एज ए बीच का काम करता है, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का काम करता है। तो वो एक्सप्लेन करता है प्लान्स और पॉलिसीज को लोअर लेवल को, एक्सप्लेन करता है किसकी प्लान पॉलिसीज को, टॉप लेवल की, टॉप लेवल मैनेजर्स की प्लान्स और पॉलिसीज को लोअर लेवल के मैनेजर्स को वो एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये बीच का काम करता है, तो ये आप उसकी बात को पहुंचाता है या पास करता है उसकी प्लान्स और पॉलिसीज को लोअर लेवल तक। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, मीन्स एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है ऑफ देयर डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है वो किसके लिए, क्योंकि जिससे कि प्लान्स और पॉलिसीज एग्जीक्यूट हो सकें, मीन्स जो उसने प्लान्स और पॉलिसीज बनाई थी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, सारे रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ये काम हो गया मिडिल लेवल मैनेजर का। अब क्या करता है, फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट। फाइंड आउट करता है एम्प्लॉयज़ को, उनको रिक्रूट करता है, उनको अपॉइंट करता है एम्प्लॉयज़ को अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो ये काम भी हो गया मिडिल लेवल का। अब आता है मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो मोटिवेट करते रहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको बहुत से इंसेंटिव्स देते हैं, इंसेंटिव्स दे के मोटिवेट करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाएँ ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो सो दैट दे कैन परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटीज, तो उसको बीच बीच में मोटिवेट करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजर्स का होता है। लास्ट आता है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़ प्रिपेयरिंग देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मीन्स एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं उनके और उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, मीन्स मिडिल लेवल मैनेजर्स उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ को देखते हैं और फिर उसके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर उसको उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हो गए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। अब आता है थर्ड वन, लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। ये मिडिल लेवल के नीचे होता है लोअर लेवल, ठीक है, सबसे पहले टॉप, फिर मिडिल, देन लोअर लेवल। इसमें देखते हैं कौन कौन आते हैं, सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क, ये सब लो लेवल में आते हैं। लो लेवल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वर्कर्स आए, वर्कर्स यहाँ पे नहीं आते हैं, ये मैनेजमेंट है, यहाँ पे वर्कर्स का काम नहीं है। तो लो लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनकी अथॉरिटीज जो है वो लिमिटेड होती है इन कंपेयर टू टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। मिडिल लेवल और टॉप लेवल के कंपेरिजन में इसकी जो अथॉरिटीज़ है, डिसीजंस लेने की पावर है, इसके पास कम होती है, टॉप लेवल के पास सबसे ज़्यादा होती है और इसके पास सबसे कम होती है। मैनेजर्स परफॉर्म एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू
मिडिल अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं लो लेवल के, वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के प्लान्स। मिडिल लेवल और जो मिडिल लेवल और टॉप लेवल के मैनेजर्स जो प्लान बनाते हैं उन प्लान के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? इसी लोअर लेवल मैनेजर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी। दे पास ऑन इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी जो थी डिपेंड करती है इन लेवल पे, क्यों? क्योंकि ये वर्कर्स के ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टच में होते हैं वर्कर्स के। दे पास करते हैं इंस्ट्रक्शंस, जो मिडिल लेवल का जो इंस्ट्रक्शंस होता है, मिडिल लेवल ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो उस इंस्ट्रक्शन को वर्कर्स को पास करते हैं, वर्कर्स को बताते हैं, और वर्कर की जो रिपोर्ट होती है वो मिडिल लेवल तक पहुँचाते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसकी रिपोर्ट मिडिल लेवल को बताते हैं। दे आर responsible फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन among द वर्कर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं कि वो वर्कर्स में डिसिप्लिन बनाए रखें। अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ लो लेवल मैनेजर्स के। लो लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंस of workers before the middle level management, means lower level के managers जो होते हैं वो उनका काम होता है कि वो performance को देखें और जो भी problem आ रही हो उनके work में तो उसको middle level management के साथ share करें, ठीक है। जो भी workers को problem आती है उसको मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर जो हैं, मींस लो लेवल मैनेजर जो हैं, वो डायरेक्टली लिंक होते हैं सबऑर्डिनेट से, डायरेक्टली लिंक होता है उनका वर्कर के साथ, तो वो ही एक सही पर्सन है जो कि समझ सकते हैं प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंस वर्कर्स की, तो वो प्रॉब्लम्स को पास करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स को। नेक्स्ट, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपरवाइजरी मैनेजर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं गुड वर्किंग कंडीशंस, मींस अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराता है, तो और फिर क्रिएट करता है, उनको सपोर्ट करता रहता है, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उनको सपोर्ट करेगा, उनकी हेल्प करेगा, और एनवायरनमेंट जो है वहाँ का बहुत अच्छा होगा, तो वो अच्छा प्रोवाइड कराता है, और रिलेशनशिप्स वो बनाए रखता है सुपरवाइज़र में और सबऑर्डिनेट में। तो लोअर लेवल का काम होता है मैनेजर्स का उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहना, टच में रहना, कोई प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करना और रिलेशनशिप बनाना सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स मीन्स सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट, मीन्स जहाँ का वो जो वर्क का एनवायरनमेंट है वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स इनसिक्योर फील करें उस जगह जहाँ पे वो काम करते हैं, उस जगह इनसिक्योर फील ना करें, तो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उनकी सेफ्टी करनी चाहिए, उनको कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स, मींस मिडिल लेवल मैनेजर्स की हेल्प करते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, कैसे? उनको वर्कर्स को रिक्रूट करने में, सेलेक्ट करने में, अपॉइंट करने में, तो ये उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्कर्स के टच में लोअर लेवल मैनेजर्स ही रहते हैं, उन्हीं को पता रहता है कि किस टाइप के वर्कर्स काम कर पाएंगे, उनकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो फिर ये लोग इन्फॉर्म करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स को,
उनको बताते हैं, उनकी इस तरह से वो हेल्प करते हैं रिक्रूटमेंट करने में। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग द वर्कर्स एंड वेलकमिंग ऑफ देयर सजेशन। मीन्स लोअर लेवल मैनेजर्स कम्युनिकेट करते हैं वर्कर से, क्योंकि ज़्यादा टच में रहते हैं तो वो अच्छे से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएंगे वर्कर्स के साथ। उनको एनकरेज करते हैं वर्कर्स को, ठीक है, उनको अगर उनका सजेशन अच्छा लगता है तो उनको रिवार्ड देते हैं, ठीक है, वो अलाउ करते हैं कि वर्कर्स उनको सजेशन दे। अगर वर्कर्स के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो वो सजेशन दे सकता है, ठीक है, तो वो उसे अलाउ करते हैं कि वर्कर्स सजेशन हमें दे सकता है। फिर उस वो सजेशन अगर अच्छा लगा उसे तो लोअर लेवल मैनेजर्स रिवार्ड देते हैं अच्छे सजेशन देने के लिए, कि वर्कर्स ने अच्छा सजेशन दिया तो रिवार्ड दें। उससे क्या होता है, वर्कर का मॉरल बढ़ता है और वर्कर्स मोटिवेट होता है कि हाँ बॉस ने मुझे रिवार्ड दिया गुड सजेशन के लिए, इससे मैं अच्छे अच्छे आइडिया बॉस को देता रहूँगा। ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टेडी फ्लो ऑफ आउटपुट। द सुपरवाइजरी जो लेवल मैनेजर होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है वो गिरना नहीं चाहिए, वो मेंटेन रहे, वर्कर्स जो हैं अच्छे से काम करें, उनको मोटिवेट करते हैं इसीलिए कि जिससे वो अच्छा काम करते रहें, अपना 100% दें काम में और क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे, उसका स्टैंडर्ड ना गिरे। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मॉरल ऑफ द वर्कर्स एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम। वो वर्कर्स का मॉरल को बूस्ट करते रहते हैं और उनको उनके अंदर एक टीम स्पिरिट की भावना लाते हैं, डेवलप करते हैं टीम स्पिरिट के, एक साथ मिलके काम करने की भावना को लाते हैं, उनका मॉरल को बूस्ट करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हुए लोअर लेवल मैनेजर्स के सारे फंक्शंस।